अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं, मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। Oh,
जिसका भय था वही हुआ स्वामी। त्रिदेव इसी क्षण का सामना करने से रोकने के लिए हमें यहां से दूर भेजने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अब वो समय आ गया जब आप दोनों को हनुमान के जीवन से प्रतीक होना हो, प्रतीक होना जीवन से प्रतीक होना हो, प्रतीक होना हो। चापित होने वाला है हनुमान, चापित होने वाला है हनुमान, चापित होने वाला है, चापित होने वाला है। सौम्रथ, हनुमान ने तो गंगा की पवित्र धारा को अन्य समस्त नदियों को जोड़कर उन्हें भी शुद्ध और पवित्र करने का महापराक्रमी कार्य किया था। ये तो पुरस्कार के अधिकारी था, परंतु तुमने इसे श्राप देकर इनके सारी शक्तियां ही छीन ली। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? हनुमान के पराक्रम को उसकी उदंडता समझ बैठा मैं। क्रोधवश मेरी मति फिर गई थी या ये नियति की कोई क्रीड़ा थी? हनुमान तो बालक होते हुए भी मुझसे भी बड़ा भक्त है। उसके भक्त की एक गुहार पर स्वयं प्रभु उसके हाथों से भोजन करने चले आए। ऐसी भक्ति को प्रणाम करने के स्थान पर तुमने इसे श्राप दे दिया। मैं तो मात्र तेजस्वीता ही नहीं पहचान पाया था हनुमान की, परंतु तुमने तो इसे तेजहीन कर दिया। अनेक शत्रु है मेरे लाल के, महाबली, महामायावी और मेरा पुत्र शक्ति ही। क्या होगा मेरे लाल का? साम्रत, तपस्या और साधना से तुम वरदान और श्राप की शक्ति तो पा लिए हो, परंतु तपस्वी होते हुए भी तुम में धैर्य नहीं है, तुम में कोई संयम नहीं है। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है साम्रत, जिसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। साम्रत, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा मन बहुत अस्थिर है, तुम एक स्थान पर कभी भी अधिक समय तक टिक नहीं पाओगे। अपने अस्थिर मन के ही भांति तुम एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहोगे। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी साम्रत।
बिना विचार किए कार्य करने वाले लोगों को यूं ही पश्चाताप करना पड़ता है। मैंने पूर्ण सत्य जाने बिना ही हनुमान के पराक्रम को उसकी उदंडता समझ लिया। मैं पापी इसी दंड के योग्य हूं पिताश्री। आपने मुझे श्राप देकर उचित ही किया पिताश्री। मैं क्षमा प्रार्थना के साथ कहना चाहती हूँ ऋषिवर, आपने भी वही किया जो आपके पुत्र ने किया। क्रोध वश श्राप दे दिया आपने ऋषि साम्रत को। देवी अंजना, ये मेरा क्रोध नहीं न्याय था। साम्रत के दुष्कृत्य का फल दिया है मैंने उसे। इससे हनुमान को उसकी शक्तियां तो वापस नहीं मिल जाएंगी। हनुमान आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ही शापित हुआ है। हनुमान नेत्र खोलो पुत्र। उठो हनुमान। केसरी जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, परंतु समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। समाधान? इस शाप का समाधान? ऋषिवर, हमारा जो कुछ भी है, ये वैभव, ये राजपाट, सब कुछ ले लीजिए, किंतु मेरे पुत्र के इस श्राप का समाधान कर दीजिए। मेरे अनुमान को पूर्ववत कर दीजिए ऋषिवर। देवी अंजना, एक माँ की पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं, किंतु आप चिंता मत कीजिए। हनुमान श्राप मिलने से पूर्व हनुमान जैसा शक्तिवान था वो पुनः वैसा ही शक्तिवान बन जाएगा। साम्रत, बहुत बड़ी भूल हुई है तुमसे, और इस भूल का सुधार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें अपना दिया हुआ श्राप वापस लेना होगा साम्रत। पिताश्री, परमपिता ब्रह्मा ने यह विधान बनाया है, वरदान या श्राप कोई एक बार देने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं एक क्षण विलंब किए बिना ही हनुमान को दिया हुआ श्राप वापस ले लेता। यह तो मुझे भी ज्ञात है पुत्र, ब्रह्मा जी के विधान के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, किंतु दिए हुए श्राप को सीमित तो किया जा सकता है। अन्यथा सारे देव कार्य भी बाधित हो जाएंगे। We'll be right back.
मैं साम्रत ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। और हनुमान को मेरे श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। पाना सभी चाहते हैं, किंतु ये सर्वदा स्मरण रहना चाहिए कि महान शक्तियां तभी महान कार्य करती हैं जब उन्हें प्राप्त करने वाला मनुष्य उनका प्रयोग संयम और विवेक के साथ करे। असंयम और अविवेक बड़े अनर्थ को जन्म देते हैं, जैसा साम्रत के कृत्य से हुआ। सत्य कहा द्वारिकाधीश, बड़ी शक्तियां बड़े दायित्व भी लेकर आती हैं, जिन्हें निभाना सबके वश में नहीं होता। हाँ प्रिय, साम्रत ने यदि संयम रखते हुए पूर्ण स्थिति पर विचार किया होता तो हनुमान को कदापि श्राप न देते। किंतु प्रिय, अबोध हनुमान से भी अज्ञानता वश भूल अवश्य हुई थी। किंतु स्वामी, अज्ञानतावश हुई भूल का इतना कठोर दंड? प्रिय, भूल अज्ञानतावश हो या असावधानी से, दंड ही उसका प्रतिकार है। भले ही हनुमान अपनी महान शक्तियों के प्रयोग से महान दायित्व निभा रहे थे, किंतु उनकी असावधानी से ही साम्रत का यज्ञ भंग हुआ था। यही हनुमान की भूल थी, अर्थात उद्दंडता थी। विशेष शक्तियों के स्वामी को सदैव पूर्ण सावधानी और सजगता के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जो हनुमान नहीं कर सके और उन्हें इतना कठोर दंड प्राप्त हुआ। हनुमान, हनुमान, तुम्हारी मां तुम्हें इस प्रकार नहीं देख सकती पुत्र। तुम्हें उठना होगा मेरे लाल, नेत्र खोलो पुत्र। पिताश्री, आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ हुआ था क्या? नानी जी, हनुमान को कुछ हुआ था क्या? उसकी देह पूर्णतः शक्तिहीन
एवं क्लांत प्रतीत हो रही है। आप ऋषिवर, मुझे आपके किसी कार्य के लिए जाना था ना? हनुमान की स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई है। इसने जो पराक्रम किए उन्हें भी भूल गया है ये। पिताश्री, मुझे ये क्या हो गया? मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। हनुमान की ये दशा मेरे कारण ही हुई है। मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। साम्रत, ठहरो। मैंने भी हनुमान की भक्ति और शक्ति पर अविश्वास किया था। दोषी हम दोनों ही हैं हनुमान की इस स्थिति के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं पुत्र। मैं निर्दोष हनुमान को इस स्थिति में नहीं देख सकता। महाराज केसरी, दुर्भाग्य से जो कुछ भी घटित हुआ है उसका दुख है मुझे। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। मैं भी लज्जित हूं अपने कृत्य पर। हो सके तो मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। जाने से पूर्व हनुमान की भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद। होने को कौन टाल सकता है ऋषिवर? यही विधि का विधान था जिसे ना तो एक पिता बदल सकता था और ना ही आप जैसे महान ऋषि परिवर्तित कर सकते थे। शाप साम व्रत जो दे डारे, हनुमत खोई दिए बल सारे। भूल ऋषि वर का कर डारी, अब पछताए कोप पे भारी। मात पिता संतप्त दुखारे, किंतु नियति कौन है तारे। होवे कारण हृदय द्रविता, जो करे जग पिता करे उचिता। आप सबका कल्याण। राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवरों, हनुमान के साथ बहुत बुरा हुआ। हनुमान के बहुत उपकार हैं हम देवताओं पर। मैं भी उसे स्थिति में नहीं देख सकता। देवराज इंद्र, हनुमान मेरा पुत्र है और पुत्र की पीड़ा एक पिता के लिए अधिक कष्टदायक होती है। मुझे तो भय है कि
हनुमान अब स्वयं को संभाल भी पाएगा या नहीं? न जाने क्या होगा वायुदेव। सदैव धर्म और सत्य को विजय दिलाने वाला हनुमान आज असहाय एवं अशक्त हो गया है, और हम देवता मात्र मूक दर्शक बने हुए देखने को विवश हैं। वरुण देव, मेरा शिष्य होकर भी हनुमान ने सहायता की है मेरी। पाताल लोक जाकर असुरों का वध कर, समय रहते ही मेरा रथ वापस दिलाया हनुमान ने। अश्व, शीघ्र जाओ गुरुदेव सूर्यदेव के पास। मेरी सहायता करने वाला भी हनुमान ही था सूर्यदेव। रावण जैसे महाबली असुर राज के हाथों से अमृत को युक्ति से बचाया था हनुमान ने। चंद्रदेव, केवल अमृत को ही नहीं अपितु इस समस्त संसार को असमय कालकूप में समाप्त होने से बचाया था हनुमान ने। मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे मेरी भूल का आभास कराया। देवराज, शनि देव के समक्ष इस प्रकार खड़े होने का साहस केवल हनुमान में ही है, और आज वही हनुमान। देवराज, बहुत संकट की घड़ी है। हनुमान ने हम सभी देवताओं को हर क्षण किसी न किसी रूप में सहायता की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम हनुमान की सहायता करें और उन्हें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण, अग्निदेव सत्य कह रहे हैं देवराज इंद्र। अब हनुमान को पुनः अपनी शक्ति संग्रहित करनी होगी, तभी हनुमान के जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण होगा। नारायण नारायण, सत्य है देवराज इंद्र कि अब तक देवताओं और संसार के हित के लिए हनुमान ने बहुत कुछ किया है, और अब समय आ गया है कि हम सब भी हनुमान के लिए कुछ करें। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, ऐसी परिस्थिति में तो अब केवल महादेव ही हमें उचित मार्ग दिखा सकते हैं कि हम सब हनुमान के लिए क्या करें। ऋषिवर की बात का तात्पर्य क्या था, और पिताश्री के सोने को डालने की बात कर रहे थे, हनुमान को कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं है? माँ, मुझे बताइए ना, क्या हुआ था? पुत्र, जो हुआ उसमें स्मरण करने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए उस विषय के बारे में सोचकर समय व्यर्थ मत करो। हनुमान, सोचना है तो अपने भविष्य के बारे में सोचो पुत्र, और आगे बढ़ो। मुझे विश्वास है महादेव तुम्हारे भोले बाबा तुम्हारे भविष्य की दिशा का निर्धारण करने के लिए अवश्य कुछ करेंगे। भोले बाबा, अब आप ही हनुमान की सहायता कीजिए। वो शक्तियां छिन गई हैं उससे। देवेश्वरी, समस्त असुर हनुमान के शत्रु बन चुके हैं, और हनुमान को पुनः शक्तियां प्राप्त होने में अभी बहुत समय शेष। ऐसे में हनुमान उन मायावी आसुरी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कैसे कर पाएगा? इसी चिंता के निवारण हेतु हम महादेव की शरण में आए,
वायुदेव, आप तो हनुमान के जन्म में सहायक बने। देवी अंजना के गर्भ में आपने महादेव का अंश स्थित किया। इतना करने मात्र से ही आप हनुमान से अत्यधिक प्रेम और लगाव करने लगे। तो विचार कीजिए, हनुमान तो स्वामी के अंश हैं, उन्हें कितना प्रेम होगा हनुमान से? आप इतने चिंतित हो रहे हैं, तो महादेव तो जगत पिता है, वो कितने चिंतित हो रहे होंगे हनुमान के लिए। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, त्रिलोकीनाथ महादेव तो वैसे भी समस्त संसार की चिंता रखते हैं, पर हनुमान वो तो उनका अंश है। सत्य है देवराज इंद्र, आप देवगणों के आने से पूर्व ही महादेव हनुमान को इन कठिन परिस्थितियों से उबारने के लिए चले गए। प्रिय शशक, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है मुझे। क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? तुम्हें बस इतना करना है कि किसी भी प्रकार से तुम हनुमान को यहां ले आओ। कहने पर हनुमान ने पूर्व काल के विषय में सोचना बंद कर दिया है, परंतु मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए कि आप दोनों कभी दुखी नहीं होंगे। आपके मुख को मैं प्रसन्नचित देखना चाहता हूँ। पिताश्री, आप हनुमान को देखकर गर्व से भर उठते थे, किंतु मुझे आपके श्रीमुख पर मलिनता दिखाई दे रही है। क्या हनुमान से कुछ अनुचित हुआ है? नहीं पुत्र, तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, बस समय अनुकूल नहीं है। नियति की, ईश्वर के विधान की एक बड़ी क्रीड़ा है ये। भगवान एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। समय कभी एक सा नहीं रहता। समय के बदलते ही, परिस्थितियों के अनुकूल होते ही ईश्वर की असीम कृपा की वर्षा होने लगती है। और फिर इंसान की झोली छोटी पड़ जाती है,
ये कठिन परिस्थिति भी बदल जाएगी। ईश्वर की कृपा पुनः होगी पुत्र। शशक माँ, वो देखिए शशक। माँ, ये शशक हनुमान से मित्रता करना चाहता है, क्या मैं इसे अपने साथ रख लूं? मेरे पास आओ मित्र शशक। अरे मित्र शशक, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। ओहो, रुक जाओ मित्र शशक, मैं तुम्हें अपने हाथों से हरी हरी कोमल ग्रास खिलाऊंगा। मित्र रुक जाओ। इस शशक ने यहाँ आकर जैसे मेरे हनुमान की शिथिल हुई देह को ऊर्जा से भर दिया। कितना प्रफुल्लित लग रहा है मेरा पुत्र। हाँ प्रिय, बहुत समय के पश्चात हनुमान के मुख पर प्रसन्नता देख रहा हूँ। मेरी बात मान जाओ शशक, मैं तुम्हें बहुत प्रेम से रखूंगा। इधर आओ मेरे पास। हनुमान। अंजना रुक जाओ, अंजना मत रोको उसे। बहुत समय के पश्चात हनुमान को क्रीड़ा का आनंद मिल रहा है, आनंद लेने दो उसे। अरे युवराज शशक के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। चलो अपना कार्य करते हैं। हाँ चलो चलो। अच्छा हनुमान से चतुराई। अच्छा बहुत स्फूर्ति है ना तुम में, किंतु हनुमान की स्फूर्ति से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। रुको, रुक जाओ। स्वामी ये क्या हो गया है मेरे हनुमान? सूर्यदेव को नील लेने वाला हनुमान, वायुदेव की गति से भी तीव्र उड़ने वाला हनुमान, आज ये छोटे से शशक को नहीं पकड़ पा रहा है। चिंता मत करो प्रिय, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मित्र शशक रुक जाओ, मैं क्लांत हो रहा हूँ। मित्र शशक कहाँ हो तुम? मित्र शशक अच्छा तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो ठीक है, बहुत उछल रहे हो ना तुम, किंतु हनुमान तुम्हें एक ही उछाल में पकड़ लेगा। माते, अब तो हनुमान को ये जान लेना चाहिए कि अब वो पहले जैसा
महाबली दिव्य शक्ति संपन्न हनुमान नहीं रहा, अब वो केवल एक साधारण वानर बालक है। हनुमान साधारण बालक नहीं है, अंश है वो महादेव का। और महादेव उसे निर्बल कैसे रहने देंगे? शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे उसे, ताकि वो पुनः अपने कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सके। हनुमान उड़ क्यों नहीं पा रहा? शक्तिहीनता का भी अनुभव हो रहा है मुझे। क्या हुआ है हनुमान को? मुझे प्रतीत हो रहा है हनुमान मुझे भी नहीं पहचान पा रहा है। भोले बाबा चरण वंदन। भोले बाबा बाबा, हनुमान को ज्ञात था कि आप उसे इस असमंजस की स्थिति से उबारने अवश्य आएंगे। कोई नहीं बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। माँ ने कहा है मैं कुछ स्मरण करने की चेष्टा ना करूं, तो मैंने स्मरण करने की चेष्टा नहीं की, परंतु कोई तो मुझे बताए मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे शक्तिहीनता का आभास हो रहा है। पिताश्री ने भी कहा था कि अब आप ही मुझे दिशा निर्देश देंगे। भोले बाबा आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस संकट से उबारिए। मेरी सहायता कीजिए भोले बाबा। हनुमान, अद्भुत दृश्य है ये। सृष्टि में जो आज तक घटित नहीं हुआ वो आज हो रहा है। त्रिलोकीनाथ आज पहली बार किसी के समक्ष अपने घुटनों पर बैठे हैं। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति सच्चा प्रेम है ये।
सौभाग्य है हमारा जो प्रभु के ऐसे दिव्य और भव्य दर्शन हो रहे हैं। भोले बाबा, मैं तो आपकी शरण में हूँ। आओ हनुमान, उस सुख से परिचित हूँ जिसमें हनुमान खोया है। देवेश्वर के वक्ष का यह दिव्य स्पर्श उनके स्नेह सागर में डुबा देता है। नारायण नारायण, माते किस विचार से आपके मुख का भाव परिवर्तित हो गया? जन्म जन्मांतर के आत्मा को तृप्त करने वाले सुख में लीन है हनुमान। अपने मूल अपने पिता प्रभु महादेव के स्नेह आलिंगन से पृथक होना रुद्रांश हनुमान के लिए अत्यधिक कठिन है। धन्य है हनुमान, सहस्त्रों वर्षों के कठोर तप के बाद भी बड़े सौभाग्य से ही ऋषियों मुनियों का प्रभु से मिलन हो पाता है। उन्हीं जगत पिता महादेव के दर्शन का पुण्य प्रसाद हनुमान को इतनी सहजता से प्राप्त हो गया। हे भोले बाबा, हे जगत पिता, हनुमान को सदैव अपने वक्ष से लगाए रखिएगा। ऐसा परम सुख और कहाँ। ताल तलैया पुष्प तरोवर धरती अंबर हिम कर दिन कर रुक रुक देखे दृश्य विहंगम शिव शिवांश का अद्भुत संगम जो देखे अचरज कर लागे शिव घुटनों पे कप के आगे हनुमत को खोया बल देने आए जग पिता संबल देने। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। बाबा, क्या था वो? वो क्या था आपके हृदय से लगकर जिसका अनुभव हुआ हनुमान को? ऐसा अनोखा अद्भुत सुख जिसका वर्णन असंभव है। आपसे तनिक दूर होते ही हनुमान ने उसे खो दिया और हनुमान का हृदय पुनः अत्यंत विचलित क्यों होने लगा? वो तुम्हारी आत्मिक शांति थी पुत्र, जिसका क्षणिक अनुभव अभी मेरे स्पर्श से तुम्हें हुआ। तुम्हें सदैव ये परम सुख प्राप्त हो, तुम्हारी व्याकुलता दूर करने तुम्हें शक्ति समर्थ बनाने आया हूं मैं। स्वयं को भूल चुके हो हनुमान, अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से वंचित हो गए हो हनुमान, परंतु मैं तुम्हें अपनी
आंतरिक शक्ति जागृत करना सिखाऊंगा। यदि तुम ईश्वर की ओर शुद्ध मन से देखोगे तो ईश्वर भी तुम्हें अवश्य देखेंगे। और हटियों की शिक्षा दूंगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव हनुमान के गुरु बनेंगे, ये तो हनुमान का सौभाग्य है। परंतु हे भक्त वत्सल, क्या हनुमान ये ज्ञान अवश्य ग्रहण कर सकोगे? पुत्र, मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तो फिर तुम्हारे लिए क्या असंभव है पुत्र? सर्वप्रथम मैं तुम्हें ध्यान योग की शिक्षा दूंगा, उससे तुम्हारे चित्त में शांति और एकाग्रता स्थापित होगी, तुम्हें स्थिरता प्राप्त होगी पुत्र। स्थिरता? ध्यान योग द्वारा प्राप्त स्थिरता योग सिद्धि का आधार है। स्थिर चित होकर ही कोई योग की अन्य विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु भोले बाबा, हनुमान समझा नहीं ये स्थिरता क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है। स्थिरता से गांभीर्य का विस्तार होता है पुत्र, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। कहो पुत्र, इस सरोवर में तुम्हें क्या दिख रहा है? भोले बाबा, हमारी प्रतिछाया। इस शांत निश्चल जल के समान स्थिरता वो मनोदशा है पुत्र, जिससे व्यक्ति समस्त भ्रांतियों से मुक्त होकर ना केवल स्पष्ट रूप से जगत का सत्य अवलोकन करने में समर्थ होता है, परंतु अपने अंतर से भी परिचित हो जाता है। ये लो पुत्र, इस कंकर को जल में गिरा दो। देखो, क्या अब भी तुम्हें अपनी प्रतिछाया दिखाई दे रही है पुत्र? नहीं भोले बाबा। जल तो वही है, फिर प्रतिछाया क्यों नहीं दिखाई दे रही है हनुमान? वो इसीलिए भोले बाबा, हनुमान ने अभी इस जल में कंकर डालकर इसकी स्थिरता को भंग कर दिया है, इसमें जल तरंगे उत्पन्न होने लगी है। तुम्हारी वर्तमान मानसिक अवस्था कुछ ऐसी ही है ना पुत्र, अनेक अवांछित विचारों की उथल पुथल से भ्रमित है तुम्हारी बुद्धि। जी। ध्यान योग से बुद्धि शांत होगी और विचारों की अस्पष्टता दूर होगी, तुम्हारा चित्त स्थिर होगा, जिससे तुम उचित निर्णय ले पाओगे। पूर्ण एकाग्रता और अनुशासन से अपने उद्देश्य प्राप्ति में कार्यरत रहोगे, अर्थात कार्य पूर्ति की उचित प्रक्रिया का पालन करोगे और अपनी आंतरिक शक्ति के अनुरूप सफलता प्राप्त करोगे। परंतु प्रभु, हनुमान वानर बालक है और वानर स्वभाव से ही चंचल होते हैं, वो एक स्थान पर या एक विचार पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकते, तो हनुमान ऐसे में कैसे स्थिरता प्राप्त करेगा? यदि वानर होकर भी तुम इस ज्ञान को सिद्ध कर सके तो संभवतः तुम संसार के अन्य प्राणियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाओगे हनुमान। आओ पुत्र, तुम्हारी ध्यान योग की शिक्षा आरंभ करते हैं। जो आज्ञा भोले बाबा। ध्यान
ध्यान योग का ध्यान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा में बैठना आवश्यक है, अर्थात अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रखो जिससे हथेली ऊपर की ओर रहे। अंगूठे और तर्जनी के अवछोर को छुओ जिससे वृत्त का आकार बन जाए। अन्य तीनों उंगलियों एक दूसरे से सटी रहे परंतु उनका मुख बाहर की ओर होना चाहिए। यह मुद्रा तुम्हारी भारी देह और अंतरात्मा के संयुक्त होने का प्रतीक है। अब उचित मुद्रा प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें ओम शब्द का जाप करना है। ओम, ओम क्या है भोले बाबा? इस एक शब्द में ब्रह्मांड का साहद निहित है पुत्र। सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्रवण होने वाली ये प्रथम ध्वनि है पुत्र। प्रथम ध्वनि? हाँ पुत्र, सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एक शब्द गुंजायमान था। ओ ओ फिर ओम के अनंत नाद से ही शक्ति का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत हुआ, दिव्य प्रकाश। पंदोपरांत इसी विशाल प्रकाश पुंज रूपी शक्ति एवं ओम की ध्वनि से धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। आंड में ही नहीं संसार के प्रत्येक ध्वनि में ओम की ध्वनि व्याप्त है। दो अंतरिक्ष नक्षत्रों इत्यादि की रचना हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जिसके पश्चात उस पर चराचर जीवन का जन्म हुआ। ओम की अपार महिमा है पुत्र, समस्त सृष्टि एवं जीवन की जन्मदायिनी है ओम की ध्वनि, इसलिए वे संपूर्ण ब्रह्मांड में सदैव गूंजती रहती है। मात्र ब्रह्मांड में ही नहीं संसार के प्रत्येक ध्वनि में ओम की ध्वनि व्याप्त है। अद्भुत। मेघों से गिरकर पृथ्वी से टकराने वाली बूंदों ने पवन प्रवाह में पत्तों की सरसराहट पक्षियों की चहचहाट के संगीत में ओम ही ओम व्याप्त है। यहाँ तक कि हमारे प्रत्येक श्वास में ओम की ध्वनि प्रसारित होती है। प्रभु, हनुमान को भी ओम की ध्वनि का आभास हो रहा है। शीघ्र ही तुम उसके अभ्यस्त हो जाओगे पुत्र, और तब तुम्हें ज्ञात होगा ओम की ध्वनि का उच्चारण हमारे तन मन और आत्मा को पावन कर देता है, जीव को जीवात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है ओम की ध्वनि। प्रभु, फिर तो मैं शीघ्र इसका उच्चारण प्रारंभ कर देता हूँ।
अपने नेत्र खोले बिना मुझे बताओ पुत्र हनुमान, तुम्हें अपने समीप क्या अनुभव हो रहा है? भोले बाबा, हनुमान को बढ़ते ताप का आभास हो रहा है और एक तितली हनुमान के मस्तक के समीप घूम रही है। वो उसकी नासिका पर बैठना चाहती है और एक गिलहरी मेरा ध्यान भंग करने का प्रयत्न कर रही है। और हाँ, वायु का प्रवाह और पत्तों की सरसराहट, इतना सब अनुभव हो रहा है हनुमान को। अपने नेत्र खोलो पुत्र। देखो ना पुत्र, ना ही कोई गिलहरी है और ना ही तितली। यदि तुम एकाग्रता से ध्यान करोगे तो सूर्य का ताप, पत्तों की सरसराहट का से तो तुम्हारे लिए मिट जाएगा। अपनी रीढ़ को सीधा कर पुनः प्रयास करो पुत्र। अपने नेत्र को बंद कर अपने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करो पुत्र। अपने मस्तक पर स्थित अपने नेत्रों के मध्य के स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र। तब तुम्हारे समक्ष ध्वल ज्योति उत्पन्न होगी। ओम के उच्चारण के साथ उस ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न कर आंतरिक स्थिरता प्राप्त करने की चेष्टा करो पुत्र। आवे और जावे हनुमत बर बस ध्यान लगावे। ओम निरंतर जपत हनुमंता पावे है तू चित स्थिरता। शिव शंभो जब शिवांश संगी किस विध होवे विफल बजरंगी। राम काज पूरन के प्रयोजन जब तब सब करी के सरी नंदन। गाथा बाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 बाबली हनुमान। प्रतीत होता है हनुमान को ध्यान पद्धति का ज्ञान हो रहा है, परंतु मुझे अभी भी संदेह है कि हनुमान का चंचल चित पूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा। इस बात का निर्णय तो समय आने पर स्वतः हो जाएगा देवराजेंद्र। अब दिग्पाल को द्वारा हनुमान की परीक्षा का समय आ गया है। जल का प्रयोग सर्वाधिक सहजता से किसी का ध्यान भंग कर सकता है। प्रणाम प्रभु। हनुमान, मेरी कामना है पुत्र, मेरी असफलता तुम्हारी सफलता प्रमाणित करे पुत्र। वरुण देव, सफलता और असफलता का निर्धारण मत कीजिए। आप मात्र अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। Thank you.
मेरे प्रयासों को विफल कर हनुमान मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा। प्रणाम महादेव। आपका कल्याण हो वायुदेव। मुझे ज्ञात है आप हनुमान का ध्यान भंग करने में संकोच कर रहे हैं, परंतु वायुदेव, क्या आपकी इच्छा नहीं है क्या आपका पुत्र सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो? और श्रेष्ठ वही सिद्ध होता है जो कठिन परीक्षा में सफल हो। अपने पुत्र के प्रति अपने स्नेह के कारण आप अपनी शक्ति को छीन मत करिएगा वायुदेव। अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कीजिए हनुमान पर। जो आज्ञा महादेव। शक्तियों से वंचित हनुमान के लिए वायुदेव के इस रूप से पार पाना अत्यंत कठिन होगा। संभव है कि वो वायुदेव का सामना ना कर पाए। एकाग्रता ही सफलता और ईश्वर की प्राप्ति का साधन है।
डारी वायुदेव का वेग भी भारी, रजनी पति ने हिम बरसाई, अग्निदेव ने अनल जलाई, किंतु अडिग हनुमत संकल्पी, दीर्घ परीक्षाएं भई अल्पी, शिव हनुमत शक्ति से परिचित, आज भया पर जग भी विस्मित। बाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। प्रणाम महादेव। हनुमान, तुम अन्य सभी देवताओं की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए। आशा करता हूं तुम्हारे ध्यान को खंडित करने के मेरे प्रयास को भी तुम असफल कर ही दोगे। देवताओं के किसी भी प्रयास से तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ। पुत्र, ध्यान योग में तुमने महारथ प्राप्त कर ली है। प्रणाम महादेव। कल्याण हो देवराज। वन्यजीव हनुमान से सहज होकर उसके समीप आ गए हैं।
परंतु महादेवी, ये कैसे संभव है? देवराज इंद्र, हनुमान स्थिरता के ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच गया है जिसके प्रभाव से वन्य जीवों में सौहार्द उत्पन्न होता है, जो मात्र कैलाश में ही देखने को मिलता है। परंतु हनुमान ने अपनी साधना से उसका सृजन यहीं कर लिया है। धन्य है पुत्र हनुमान। कपीश जब ध्यान लगावे, जल थल अंबर सब थम जावे। जय मारुति जय केसरी नंदन, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। प्रभु अब कितनी परीक्षा लेंगे हनुमान की? पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। पुनः स्थिरता प्राप्त कर तुम ध्यान योग में दक्ष हुए, क्या तुम्हें अपने अंतर में स्थिरता और शांति का आभास हो रहा है पुत्र? हाँ भोले बाबा, अवश्य हो रहा है। परंतु जो शांति स्पर्श जो मुझे आपके हृदय से लगकर हुई थी, उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। परंतु पुत्र, जिसकी प्राप्ति तुम्हें हुई वो परम शांति और एकाग्रता अनुपम है। इनकी सहायता से तुम योग की अन्य विधाओं में भी सक्षम हो जाओगे। ये तो आपकी कृपा है भोले बाबा। आपके मार्गदर्शन से ही हनुमान जैसा चंचल वानर बालक अपने ध्यान को केंद्रित कर पाया। पुत्र हनुमान, असाधारण शिष्य हो तुम, इतनी शीघ्र ही इतना कुछ सीख गए। ध्यान योग में निपुण होकर अब तुम हठ योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए हो। पुत्र, शरीर की गतिविधि और संतुलन दोनों ही व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता के लिए अति आवश्यक है। इन दोनों का अभ्यास ही हठ योग है, जो शरीर बुद्धि और आत्मा में समन्वय स्थापित करता है, जिससे जीवन में उचित निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करना सरल हो जाता है। भोले बाबा, इसका अर्थ है हठ योग से हनुमान को अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त होगा। हाँ पुत्र, आजीवन अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का साधन है हठ योग। इसके नित्य अभ्यास से शरीर का प्रत्येक सूक्ष्म तत्व पोषित होकर शरीर में स्फूर्ति, बल और तेज उत्पन्न करता है। स्वस्थ मन तो ध्यान योग से प्राप्त कर ही लिया है तुमने।
अब स्वस्थ तन के लिए हठ योग सीखो हनुमान। हठ योग शिक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ भोले बाबा। अति उत्तम, तो ये शिक्षा हठ योग के सर्वश्रेष्ठ आसन सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करते हैं। इस आसन के निरंतर अभ्यास से आजीवन तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में प्रथम आसन प्राणायाम आसन से सूर्य नमस्कार आरंभ होता है। अपने दोनों पैरों पर शरीर के भाग को विभाजित कर अपने शरीर को संतुलित करो। आओ सूर्य नमस्कार आरंभ करें। महाजगबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया हनुमान तुम में विलक्षण प्रतिभा है पुत्र। सूर्य नमस्कार को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया है तुमने। अब प्रतिदिन प्रातःकाल इस आसन का 108 बार अभ्यास करने से सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहोगे। भोले बाबा, आपकी आज्ञा का पालन कर हनुमान नित्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेगा। अब और कठिन आसन सीखने का समय आ गया है पुत्र। भोले बाबा, क्या हठ योग में और भी कई आसन हैं? हाँ पुत्र, हठ योग में तो अनेकों आसनों का संचय है।
भोले बाबा, फिर तो हनुमान को उन्हें भी सीखना प्रारंभ करना चाहिए। चिंता मत करो पुत्र, तुम शीघ्र ही समस्त आसनों को सीख जाओगे। उसके नित्य पालन से तुम्हारे बल में वृद्धि होगी। आओ हठ योग आरंभ करें। हनुमान, इसमें श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ समय और इस मुद्रा में रहना होगा। मैं ध्यान योग में लीन होने जा रहा हूं। मेरे ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। क्या अर्थ है ये? हनुमान तो भोले बाबा से पूछना भूल ही गया। जब तक भोले बाबा का ध्यान समाप्त नहीं हो जाता तब तक हनुमान को ऐसे ही रहना चाहिए। प्रभु के आदेश पर हनुमान इतनी दीर्घ अवधि तक इस कठिन नटराज मुद्रा में स्थित है। यह हनुमान की सरलता है या प्रभु पुनः ध्यान मग्न होकर बाल हनुमान की परीक्षा ले रहे हैं? चींटियों का काटना हनुमान ने सहन तो कर लिया, परंतु प्रतीत होता है हनुमान के पांव पर एक वृश्चिक चढ़ रहा है। यदि उसने दंश दिया तो किसी भी प्रकार से इस मुद्रा में रहना ही होगा। भोले बाबा की अवज्ञा नहीं कर सकता मैं। ध्यान योग का दुष्कर आसन धारि कपि मुद्रा नटराजन सहे चूटे वृश्चिके दंशा
पर ना तनिक डिगे शिव अंशा। सूर्य देव का चक्र फिरी है हनुमत किंतु ध्यान रमे हैं। शंकर ध्यान पूरन भी कीना किंतु अब हूँ हनुमत लीना। गाथा बाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। भोले बाबा ने मुझे ध्यान एवं ओम का उच्चारण करने से सारी परिस्थितियों से सामना करना सिखाया है। आंखें खोलो। वृषक के दंत से कितनी पीड़ा हुई होगी तुम्हें पुत्र। मैंने तो तुम्हें स्पष्ट कहा था तुम्हें नटराज आसन तभी तक करना है जब तक तुम्हारे शारीरिक संतुलन का अभ्यास पूर्ण हो जाए। फिर तुम इतने दीर्घ अवधि तक ऐसी मुद्रा में क्यों रहे पुत्र। भोले बाबा, हनुमान आपसे पूछना भूल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे नटराज मुद्रा में कब तक रहना है। आपके ध्यानियों को भंग कर आपसे पूछना नहीं चाहता था हनुमान। इतनी लंबी अवधि तक नटराज आसन में रहकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम हठयोग में भी पारंगत हो गए हो। हनुमान पुत्र, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। भोले बाबा, आपसे शिक्षा प्राप्त करना हनुमान का सौभाग्य है। आपने हनुमान की सहायता कर उसकी निराशा एवं उदासी को निकाल दिया है। अब हनुमान में ऊर्जा, विश्वास और प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं इसलिए तो आया था पुत्र। अब तुम संपूर्ण जीवन हठ योग का नियमित पालन करोगे, तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे, असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा, सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। भोले बाबा, हनुमान आपके हर आदेश का पालन करेगा। हनुमान, तन मन के लिए हठ और ध्यान योग मैंने तुम्हें सिखा दिए हैं, इसलिए अब तुम्हारे ज्ञान योग की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समय आ गया है। ज्ञान योग, तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जागरूक रहकर उसे तुम्हें प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। भोले बाबा,
हनुमान ज्ञान योग सीखने के लिए भी तत्पर है। ज्ञान योग की शिक्षा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, स्वयं माता सरस्वती तुम्हें प्रदान करेंगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम भोले बाबा, हनुमान की प्रार्थना है कि आप सदैव हनुमान पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सरस्वती प्रणाम। माता कल्याण हो। माता, हनुमान के तो भाग्य के द्वार ही खुल गए। पहले भोले बाबा ने कृपा की और अब आपने अपने दर्शन दिए। पुत्र हनुमान, मात्र मेरे दर्शन ही नहीं, मुझसे शिक्षण भी प्राप्त होने वाला है। तुम्हें ज्ञान योग में निपुण बनाने आई हूँ मैं तुम्हें। माता, आप तो ज्ञान एवं विद्या की देवी हैं। आपसे ज्ञान प्राप्त करके हनुमान का जीवन तो धन्य हो जाएगा। हनुमान, ज्ञान योग के बिना हठ योगी एवं ध्यान योगी अपूर्ण है। ज्ञान योग को प्राप्त करके ही हठ योगी एवं ध्यान योगी संसार के कल्याण के लिए अपने योग का समुचित प्रयोग कर पाते हैं। ज्ञान योग के द्वारा ही तुम्हें ईश्वर की विशालता एवं महानता का आभास होगा, जिससे तुम्हारी आस्था एवं भक्ति में भी वृद्धि होगी। अर्थात ज्ञान योग एवं भक्ति योग दोनों एक साथ ही प्राप्त होंगे हनुमान को। हाँ हनुमान, ज्ञान योग में भक्ति योग भी समाहित है। स्वर्ण को ना पहचानने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ण मात्र एक धातु का टुकड़ा है, किंतु जो स्वर्ण को पहचानता है वही स्वर्ण का मूल्य समझता है। इसी प्रकार ईश्वर की महानता का ज्ञान होने पर ईश्वर की भक्ति में स्वतः ही वृद्धि होती है। हनुमान, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ माता, ईश्वर कौन है? भगवान शिव जी या भगवान विष्णु जी? सत्य तो ये है कि दोनों ही एक है, दोनों ही समान है। ज्ञानवान ही भगवान के इस गुण रहस्य को पहचान पाते हैं। हनुमान, शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है। शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। भगवान विष्णु का कार्य है संसार का पालन करना। संसार का पालन करना, वो कैसे माता? हनुमान, जिस प्रकार माता अपने पुत्र का पालन करती है, समस्त संकटों से अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार संसार में जब जब पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धर्म एवं संतों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और पाप का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान, सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताने आई हूँ, जिससे भगवान की विशालता एवं उनकी महानता से तुम्हारा परिचय होगा। भगवान विष्णु जी के सारे अवतारों के बारे में बहुत ही आनंद आएगा। माता, हनुमान को शीघ्र ही बताइए ना, भगवान विष्णु जी ने कौन से अवतार धारण किए थे? हाँ हाँ हनुमान, बताती हूँ। ध्यान से सुनो हनुमान, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था
प्रभु श्री मत्स्य अवतार लिया था। कठिन परीक्षा साधना एवं उचित ज्ञान ही सौभाग्य की कुंजी है।